नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। एनएसज पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी देगा भारत का साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने नरेंद्र मोदी को फोन पर समर्थन देने का दिया भरोसा। 24 से 20 जून के बीच साउथ कोरिया में होनी है एनएसज की मीटिंग। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट का खुलासा, पाक के परमाणु कार्यक्रम से बड़ा भारत के साथ टकराव का खतरा। पाक द्वारा एनएसज की सदस्यता हासिल करने पर अमेरिका ने जताई चिंता। ऑरलैंडो हमले के हीरो बने नाइट क्लब के बाउंसर इमरान यूसुफ, 70 लोगों की बचाई जान। भारतीय मूल के पूर्व अमेरिकी मरीन सार्जेंट है यूसुफ। आईएसएस ने दी रामकृष्ण मिशन को धमकी, बांग्लादेश सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ शुरू की देशव्यापी कार्रवाई। एक्शन में आया विदेश मंत्रालय। 26 साल में पहली सियासी हत्या के बाद ब्रिटेन में जनमत संग्रह को लेकर असमंजस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने घटना पर जताया शोक, अपने प्रचार अभियान को किया रद्द। अमेरिकी संसद में पाक को दी जाने वाली सहायता राशि को कम करने का प्रस्ताव, कांग्रेस के टेड पोई ने रखा पहला संशोधन विधेयक। 900 बिलियन डॉलर की सहायता राशि को घटाकर 700 बिलियन डॉलर करने का प्रस्ताव। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।